फैक्ट्री एरिया में तहरे कत्ल का मामला, मकतूलीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल, नमाज जनाजा अदा, अजीज व अकारिब समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, इलाके में शोक की फजा बरकरार। मनामा में रात गए शहरी के घर पर फायरिंग का मामला, अहले खाना ने कमरों में छुपकर जान बचाई, फायरिंग से बिजली की तारें और खिड़कियों के शीशे टूट गए। लाहौर न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। बाराती मोबाइल जेब में रखें, हरबंसपुरा के शादी हॉल में बाराती बनकर चोर खातून के दो मोबाइल ले उड़ा, वारदात की फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। शहर में पतंगबाजी धड़ल्ले से जारी, कातिल डोर ने जिंदगी की एक और डोर काट डाली, वादत कॉलोनी में पतंग की धाती डोर से नौजवान जान भाग। लालाजार कॉलोनी का 18 साल कदीर मोटरसाइकिल पर जा रहा था, खंबे पर फंसी धाती डोर नौजवान से लिपट गई, बुरी तरह झुलसने वाला कदीर अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस पतंग फरोशों के खिलाफ सरगर्म, ग्रीन टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके दो पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए, मुलजमान अहमद अफजल से 600 पतंगे बरामद कर ली गई, पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। 10 साल के बच्चे को भी पोलियो कतरे पिलाने लाजिम, पोलियो का केस सामने आने पर पंजाब हुकूमत के हंगामी इकदाम, डीजी हेल्थ पंजाब से पोलियो प्रोग्राम की जिम्मेदारियां वापस लेने का फैसला, पोलियो प्रोग्राम के लिए अलग से सूबाई सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी। आज से शहर में दोबारा पोलियो मुहिम शुरू होगी, वजीर अला पंजाब खुद बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। वजीर अला पंजाब कहते हैं सिर्फ इजलास करके बातों से काम नहीं चलेगा, पोलियो से मुतालिक इकदाम की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। सानहा मॉडल टाउन जीआईटी की तहकीकात में पेशरफ्त, 62 पुलिस अफसरान और अहलकारों को तलब कर लिया गया, तमाम अहलकार सानहा मॉडल टाउन के हवाले से अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। एफआईए में असिस्टेंट डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स की भर्तियों का पर्चा आउट होने का मामला, दो सरकारी अफसरान समेत 3 अफराद गिरफ्तार, मुलजमान ने 1000 अफराद को पर्चा फरोख्त किया, 5 से 8 लाख रुपए फी पर्चा वसूल किया। एफआईए ने पैसे देने वाले अपराध का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जमानत पर रिहाई के बाद अदालती पेशी, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, रमजान शुगर मिल्स केस, शहबाज शरीफ का आज एहतसाब अदालत में पेश होने का फैसला, शहबाज शरीफ की वकला से मुशावरत मुकम्मल, साबिक वजीर आला पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। नवाज शरीफ की जिला अस्पताल में अयादत, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की जिला अस्पताल आमद, दूसरे रोज भी नवाज शरीफ की अयादत की, लीगी कारकुन अस्पताल में जमा, रहनुमाओं पर फूलों की पत्तियां निछावर, शहबाज शरीफ की कारकुनों को नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील, बोले नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है, इन्हें इलाज की जरूरत है। मरियम नवाज कहती हैं मियाँ साहब के टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टरों ने सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार किया है। हसन नवाज की अहलिया की भी जिला अस्पताल आमद, नवाज शरीफ की अयादत की। नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर नॉर्मल, नवाज शरीफ का एक बार फिर ट्रोप आई टेस्ट करने का फैसला, नवाज शरीफ की तबीयत ठीक, खुराक में रद्दोबदल की है, पीआईसी और सर्विसेज अस्पताल की रिपोर्ट्स मिल गए, मेडिकल बोर्ड इलाज से मुतालिक कल तक किसी हतमी फैसले तक पहुंचेगा, प्रिंसिपल जिला अस्पताल लारिफ तजम्मुल की गुफ्तगु, तफसीली रिपोर्ट महकमा दाखिला को भेजी जाएगी, MS जिला अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, सख्त फैसले करने पड़ेंगे, मईशत को दुरुस्त सिमत में ले जा रहे हैं, मईशत को हमेशा के लिए ठीक करना हमारी अव्वलीन तरजीह है, IMF की शराइत पर हमारे कुछ तहफ्फुज़ात हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI के किए गए वादे पूरे नहीं हुए, हुकूमत की जानिब से आजादी इजहार पर पाबंदी काबिले मुज़म्मत है, पीपल्स पार्टी लसानियत की सियासत नहीं करेगी, पार्टी को एक बार फिर पंजाब में मजबूत करेंगे, हसन मुर्तजा की पीपी रहनुमाओं के हमराह गुलबर्ग में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
लेफ्ट पार्टनर स्कूल्स तालीमी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं, नवीं और दसवीं के तुलबा की इम्तिहानी फीसें जमा न करवाएं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फीस जमा करवाने से रोक दिया। इतवार बाजारों में सब्जियों के साथ सब्ज मसाले भी महंगे। सब्ज मिर्च 110 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए, लहसुन 135 रुपए, अदरक 160 रुपए फरोख्त होने लगा। सब्ज धनिया भी 30 रुपए किलो हो गया। मेंबर प्राइस कंट्रोल कमेटी का गुलशन रावी इतवार बाजार का दौरा, अशिया के मयार और कीमतों का जायजा लिया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा ना मंजूर। इशरा मोड़ पर जमात इस्लामी का एहतजाज, हुकूमत ने रोजगार, सस्ती गैस, बिजली देने के वादे पूरे नहीं किए, मुजाहिरीन का मुतालिबा। बिलालगंज के इलाके अमीर रोड पर सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, टूटी फूटी सड़कें और गंदगी मकीनों के लिए अजाब बन गई। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। अवामी नुमाइंदे इलेक्शन जीतने के बाद गायब हो गए अहले इलाका का मौकफ। हॉबी कमीशन बराए बैन अलमजाहिब मकालिमा का इजलास, 25 फरवरी से 7 रोजा बैन अलमजाहिब तकरीबात के इनाकात का ऐलान। इटली रूम से फादर बेनेडिक्ट की कयादत में वफद भी शिरकत करेगा। मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम की गुफ्तगू, विफाकी वजीर मजहबी अमूर डॉक्टर नूरुल हक कादरी और विफाकी वजीर दाखिला समेत वजरा शरीक होंगे। हमदान नाबिक पोलो कप का फाइनल मैच, मास्टर पेंट्स ब्लैक को पेबल ब्रेकर से शिकस्त। विफाकी वजीर मुमलिकत हमाद अजहर और यूएस काउंसलर की खसूसी शिरकत, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। बेदिया रोड के ताजिर भी अंजुमन ताजिरान लाहौर में शरीक, शमूलियत के मौका पर शानदार तकरीब, मरकजी रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल। सदर अंजुमन ताजिरान मुजाहिद मकसूद बट बोले, मेन बाजार बेदिया के ताजिर भाइयों का भरपूर साथ देंगे। शहर को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाने का प्लान, मेले ठेले आतिशबाजी, म्यूजिकल शो, बर्ड शो, कट फ्लावर और मैराथन मुकाबले, जश्न बहारा की तैयारियां। जिला इंतजामिया ने शेड्यूल जारी कर दिया, 17 फरवरी से 28 मार्च तक फेस्टिवल के प्रोग्राम फाइनल। सदाए मेयो फोरम के जेर एहतमाम ड्राइविन रोड पर शादियों की पुरविकार इज्तमाई तकरीब, 50 दुल्हनें पिया घर से धार गई, हर दुल्हन को कीमती जहेज भी दिया गया। बागीचना ओपन एयर थिएटर में फैज अमन मेला, नामवर गुलकारों ने आवाज का जादू जगाकर समा बांध दिया। रंगारंग म्यूजिकल परफॉर्मेंस पर हाजरीन भी झूम उठे। और रिमझिम फवार का रक्स, बादलों की मौसम से मुसलसल छेड़खानी, शहर में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई। मौसमियात ने बादलों के मजीद बरसने की पेशगोई कर दी।